हाय, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी जिंदगी में, मेरी दुनिया में। आ जाइए हमारे साथ साथ, आप बने रहिए और हमें थोड़ा सजेस्ट करते रहिए कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लग रही है और कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। जो बहुत अच्छी लग रही है वही चीज़, वही काम हम करने वाले हैं। तो आ जाइए, आज मैंने ब्लैक शर्ट डाली है, बाजार जाने की तैयारी है, बैग भी ले लिया है और कमल मम्मी के लिए टीवी लगा रहे हैं, उनको सीरियल देखना है तो वो लगा रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। ऐसा तैयार नहीं हुआ था शॉपिंग, कुछ बाज़ार में जाना है, होली की कोई शॉपिंग नहीं है, पर हाँ कुछ शॉपिंग करनी है, कहीं बाहर एक दो दिनों के लिए जाना है तो एक दो कपड़े जो है वो लेने हैं कुछ ख़ास। देखते हैं अभी एक दो दिन लगा के कहाँ पर मिलेंगे, इसी के लिए हम दोनों बाज़ार जा रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट, हाँ ब्लैक एंड वाइट, इधर उधर की बात नहीं, एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए हम ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब एकदम साफ साफ, इसमें कोई लाग लगते, ब्लैक एंड व्हाइट। बाजार गए थे पर बहुत ही जल्दी वापस आ गए क्योंकि दो तीन दुकानें देखी हमने यहाँ दिल्ली में, नारायण एक जगह है वहाँ पे, तो जो चीज हम तलाश रहे थे वो चीज हमें वहाँ पे मिली नहीं। फिर 4:30 बज ही गया था तो हमने कहा कि अगर हम दूर के कहीं मार्केट में जाएंगे तो फिर वापसी में बहुत मुश्किल होगी, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाएगा और होली के एक दो दिन पहले की बात है तो मार्केट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें तो कपड़े लेने थे, हमें तो होली होली बहुत ज़्यादा, हम होली का रंग वगैरह तो खेलते नहीं हैं, अब क्या हम दोनों बैठ के खेलेंगे होली का रंग। तो गुलाल वगैरह ऐसे ही एक पैकेट ले लिया। हाँ, ये जो मैं बुन रही थी ये अब मेरा तैयार हो गया है, अब इसके लिए मैं स्टिच कर रही हूँ। तो ये है मेरा कपड़ा, ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है, अब इसके साथ में इसे मुझे स्टिच करना है। तो मशीन तो है नहीं तो हाथ से ही स्टिच करूँगी, तो चलिए ये अब इसको स्टिच करना हम शुरू करते हैं। वो इस तरीके से ये कुशन कवर बना रही हूँ मैं, और मेकओवर में ये मेरा कुशन कवर जो है काम आने वाला है। ये जैसे ये दो सिला हुआ है ना, ये दो पार्ट सिल के तैयार किया हुआ है, अब इसके बीच में इसको ऐसे करके हम डाल देंगे, इसको बीच में बिल्कुल इसके सेंटर में ऐसे डाल देंगे और ऊपर से बस इसकी बीच में डालने के बाद ना ये पूरी इसकी ऐसे स्टिचिंग कर देंगे, इसको दोनों के बीच में डाल के इसे स्टिच कर देंगे और फिर जब इसे सीधा करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। इतना आपको हिंट दे दिया है, बस अब इसका सिलना शुरू करते हैं। स्टिच करने से पहले हम टसल्स बना लेते हैं ताकि जो रनर बनाया है उसमें भी यूज़ हो जाए, और ये भी बहुत आसान है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, पर मैंने अपनी अम्मा से ऐसे ही सीखा है, उनको देखती थी जब भी बनाना होता फटाफट वो गोला ऊन का उठाती थी हाथ में अपनी चार उंगलियों के ऊपर, जितना मोटा बनाना है, अगर बहुत मोटा गोल साइज़ का बनाना है तो आप जो है 32, 33, 34, 35 बार उसे लपेट लीजिए। अभी मैंने यहाँ पे एक मोटा और कुछ पतले बनाऊंगी, तो जो मोटे वाले बना रही हूँ उसमें मैंने ये 50 लपेटा उंगली में डाला है, तो ये खूब सूरत घना सा बन के तैयार होगा। बस आप देख रहे हैं उंगली से लपेट लिया, फिर उंगली पर से उतार के और एक धागा इस तरीके से हम लेंगे, उसे डबल कर लेंगे और डबल करके धागे को, और फिर धागा जब डबल हो जाए तो उसे इसके बीच से यूँ जहाँ से उंगली निकाली है उसमें कहीं से भी आप एक जगह बीच में उसे अंदर की तरफ ले जाइए और बस इस तरीके से टाइटली उसे 4-5 बार लपेट दीजिए, और लपेटने के बाद इसे हमने जब अच्छे से लपेट जाए, मजबूत अगर बनाना है अच्छे से, क्योंकि बाज़ार में तो जो मिलते हैं वो अगर लगे लगाए कुशन में मिलते हैं हल्के से, एक वॉश में या फिर रात में बिस्तरे पर रखो वहीं पे एक एक टाका लगा के दे देते हैं। अब हम अपने से कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसे तो थोड़ा मजबूत बनाएंगे ना, तो बस इस तरीके से टाइटली मैंने इसे बांध लिया। अब अगर खाली आपको टसल्स तैयार करना है तो ये तो हो गया कि कैसे हमने इसे तैयार करना है। अब इसे जहाँ भी अटैच करना है उसका भी बहुत आसान है, क्रोशिया के बुनी चीज़ों में अगर आपने उसे लगाना होता है तो हर क्रोशिया के एक फंदे के बाद ना एक होल सा नज़र आता है,
बस उसी होल में, और जिस तरह का आपने डिज़ाइन बनाया है उस पे आप पे निर्भर करता है कि उस डिज़ाइन में कितना टसल्स आप जो लगाने वाले हैं, यानी लटकन कितने उसमें लगाने वाले हैं, वो पहले से आप डिसाइड कर लीजिए। और मेरा भी इस रनर में डिसाइडेड था कि मुझे कितने सारे लटकन लगाने हैं उसी हिसाब से, और इसी के साथ मैंने कुशन में जो मुझे लटकन लगाना था वो भी मैंने तैयार कर लिया। तो बहुत इजी वे में बहुत ज़्यादा कुछ आपको तलाशने की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपसे बात करते करते आपने देखा कि टसल्स भी तैयार कर लिया, उसे मैंने अपने रनर के साथ जोड़ भी दिया है। अब इसे जब हम जोड़ देंगे टाइटली ताकि वॉशिंग वगैरह में ये निकले नहीं, फिर उसके बाद हमने उसको नीचे से कट करना है। इस तरह साथियों आपको दिखा दिया, और इसी के साथ ही मैंने बाकी के भी और टसल्स बना लिए थे, और कुशन कवर के लिए भी जितनी ज़रूरत थी वो भी मैंने देखे बना लिया था एक ही साथ में, और बना के और उतनी देर में बीच में जिसे मैं शूट नहीं कर पाई, कुशन कवर जब आपको मैंने कहा था कि मैं स्टिच करने जा रही हूँ उसी वक्त मैंने दोनों कुशन कवर जो है स्टिच कर लिया था। बेस पर्पल कलर दिया है और उसके ऊपर इसे निट की तरह जो है यूज़ किया है। आपको शुरू में ही दिखा दिया था कि इसे स्टिच कैसे किया। अब टसल्स जो बनाए हैं वो जिग जैग वाला जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ लटकन लगाना है जो खूबसूरत लगेगा, वहाँ एक एक करके आप जो है आप पोजीशन खुद चूज़ कर लीजिए कि आपने कितना लंबा रखना है, कितना छोटा रखना है। टसल्स जो बनाया है वो गोल आकार में रखना है, बट ये वाला जो कुशन कवर जो मैंने बनाया इसमें अगर लंबे लंबे आप टसल्स बनाते हैं तो वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और कंट्रास्ट जो है पर्पल में मैंने मेन जो बेस बनाया है पर्पल सैटन का कपड़े का बनाया, और उसके ऊपर से ये जो वुलन मैंने स्टिच किया है तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लग रहा है ना खूबसूरत लग रहा है, तो हाँ भी कर दीजिए, सर हिला दीजिए हाँ में, और लाइक कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, गुड नाइट।